आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। आइए डालते हैं एक नजर यूपी की सभी छोटी बड़ी खबरों पर। भारतीय आवाम एकता पार्टी ने शहीदों को कैंडल जलाकर दी श्रद्धांजलि। मन को झकझोर देने वाला संदेश रहा रावत का आकस्मिक निधन। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे ने उक्त बातें कही। भारतीय आवाम एकता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशल पांडे के आदेशानुसार व युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे के मार्गदर्शन व उपस्थिति में गोलघर टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए आकस्मिक हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में दिवंगत हुए वीर शहीदों की आत्मा की शांति हेतु कैंडल जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इस अवसर पर महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा सिंधु जी व गोरखपुर जिला अध्यक्ष प्रवीण चतुर्वेदी ने शोक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उपस्थित पार्टी के पदाधिकारियों ने आकस्मिक हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त में जान गंवाने वाले आर्मी चीफ CDS बिपिन सिंह रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं अन्य 13 सैन्य सुरक्षा अधिकारियों की शहादत पर स्मरण किया तथा उनके परिवार को इस विकट परिस्थिति में साहस प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना किया। साथ ही प्रतिमा के समक्ष कैंडल व शहीद जवानों का पोस्टर लेकर कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय, भारत वीरों की जय का नारा लगाते हुए वीर शहीदों अमर रहे का घोष किया। तत्पश्चात युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे ने वीर शहीदों को नमन करते हुए अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज हम सभी एक साथ कई वीर सपूतों को खो दिया, यह हमारे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है, इसकी भरपाई होना असंभव है। यह देश के ऐसे सिपाही थे जिन्होंने देश की रक्षा के लिए आज अपने प्राण की भी आहुति दे दी। ऐसे वीर सपूतों को सत सत नमन व विनम्र श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि में मुख्य रूप से युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे, महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष सिंधु जी, गोरखपुर जिला अध्यक्ष प्रवीण चतुर्वेदी, सत्येंद्र कुमार, छोटू करण सिंह, अतुल शाही, ब्रिजेश भारद्वाज, आशुतोष सिंह, सुमित सिंह तथा राम सिंह आदि उपस्थित रहे। आइए देखते हैं गोरखपुर से इंडिया पावर न्यूज की खास रिपोर्ट में कुलदीप पांडे ने क्या कहा। आज गोलघर स्थित टाउन हॉल गांधी प्रतिमा समक्ष भारतीय आवाम एकता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं। मुझे सबको बताया कि अभी कल जो दुखद घटना हुई उसको आकस्मिक घटना माना जा रहा है और उसमें बीके रावत जी, बीके रावत जी का ध्यान हो गया। उसके साथ तकरीबन 13 से 14 सैन्य अधिकारी जो थे वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गए और अपने जान को जो है गंवा बैठे। काफ़ी पूरा देश जो है शोकाकुल है, काफ़ी सभी लोग परेशान हैं और इस दुखद घड़ी में हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता बंधु हैं आज इकट्ठा हुए हैं। आज उनको बीपी रावत के साथ साथ जितने भी जो सैन्य दल हैं जो मृत हो गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना किया गया, कैंडल जला के उनकी श्रद्धांजलि दी गई और एक भावविभोर मन से ये आज एक जो हम लोग आज तक सोचे नहीं थे, क्योंकि हम लोग आज तक हमेशा जो है चैनलों पेपर के माध्यम से उनके जो योगदान देश के जो वीरता के उनकी बातें सुनते आते थे, देखते आते थे। आज ऐसे अचानक ये जो समाचार मिलेगा वो हम लोग काफ़ी हताहत हैं और आज इस जो शोकाकुल समय पे हम लोग उपस्थित हुए हैं ये हमको उम्मीद नहीं था कि इस तरह हमें। तो मैं कुलदीप पांडे युवा मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए आज तमाम कार्यकर्ताओं के साथ कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।